आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज बिहार में। राजद ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट तक करार दिया था, जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस ने मुंगेर से प्रत्याशी बनाया था। मुंगेर में लोकसभा चुनाव के वोटिंग हो गए हैं और अब पांचवें चरण खत्म होने के बाद दो चरण के बाद चुनावी परिणाम आ जाएगा। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर जोरों पर है। छठे चरण में चुनाव में 12 मई को वोटिंग होनी है। इसे लेकर दोनों दल यानी कि महागठबंधन और एनडीए के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार के इस दौर में सबकी निगाहें वैशाली सीट पर है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में होंगे। वैशाली में उनका मुकाबला लोजपा के वीना देवी से हो रहा है। वैशाली की लड़ाई जीतने के लिए राजद ने अब तक बैड एलिमेंट करार दिए गए अनंत सिंह की मदद ली है। दरअसल मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह गुरुवार को वैशाली में रोड शो करने जा रहे हैं। अनंत सिंह वैशाली में राजद प्रत्याशी रघुवंश सिंह के लिए वोट मांगेंगे। राजद ने अनंत को बैड एलिमेंट कहा था, जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस ने मुंगेर से प्रत्याशी बनाया। तेजस्वी ने तब अनंत सिंह की पत्नी के चुनाव प्रचार में मुंगेर के अलग अलग इलाकों में लगातार 3 जनसभाएं की थी। अब अनंत सिंह राजद उम्मीदवारों के लिए रोड शो करने जा रहे हैं, क्योंकि वैशाली में भूमिहार मतदाताओं की संख्या काफ़ी है और राजद को विश्वास है कि अनंत वहां के भूमिहार मतदाताओं को अपने पाले में करने का भरपूर कोशिश कर सकते हैं और राजद के लिए वोट मांग सकते हैं। अनंत सिंह के रोड शो पर जेडीयू ने निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता और अनंत सिंह के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले विधान पार्षद नीरज कुमार ने अनंत सिंह और राजद नेताओं पर कटाक्ष किया है। नीरज कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि मोकामा के राजनीति के पुदीना सिंह आज वैशाली में रोड शो करने जा रहे हैं। राजद की चुनावी नैया ऐसे बैड एलिमेंट के बिना पार भी नहीं होगी। आरजेडी को जेल के सेल में बंद कुख्यात अपराधियों का समर्थन पत्र भी ले लेना चाहिए। तेजस्वी यादव जी शाहबुद्दीन राजबल्लभ का तो समर्थन पत्र ले लिए हैं ना। देखिए, जब भी अनंत सिंह का जिक्र होता है या फिर लालू प्रसाद यादव का जिक्र होता है, राजद की बात होती है, तो जेडीयू का कमान सबसे पहले नीरज कुमार संभालते हैं। अब जब अनंत सिंह रोड शो करने जा रहे हैं वैशाली में, ऐसे में एक बार फिर कटाक्ष कसा है, ट्वीट कर अपना बात रख दिया है नीरज कुमार ने। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनंत सिंह के इस रैली के बाद भूमियारों का वोट रघुवंश प्रसाद सिंह को मिल पाता है, या फिर अनंत सिंह जो कि मोकामा के विधायक हैं और लगातार जिस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, उनकी शक्ति सिर्फ मुंगेर तक ही सीमित रह पाती है। खबरों का सिलसिला भारत लाइव और न्यूज़ बिहार पर चलता रहेगा। देखते रहें भारत लाइव टीवी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।